मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 12 पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, पढ़िए और समझिए। कुसुम, सुमन और प्रसून तीनों दोस्त हैं। वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। उनमें बहुत गहरी दोस्ती है। उनकी दोस्ती को देखकर सभी उन्हें फूल कहते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि सभी उनको फूल क्यों कहते हैं? क्योंकि कुसुम, सुमन तथा प्रसून शब्द फूल शब्द के ही समान अर्थ हैं। कहने का अर्थ है कि नाम अलग अलग हैं, परंतु उनका अर्थ एक ही है। ऐसे शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। मतलब पर्यायवाची या समानार्थक शब्द की परिभाषा क्या हुई? जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे इन्होंने क्या उदाहरण दिया? फूल, तीन बच्चे थे साथ में, जिनका नाम क्या था? कुसुम, सुमन और प्रसून। और वो तीनों साथ में रहते थे, उनमें अच्छी दोस्ती थी, तो सब उन्हें क्या कहते थे? फूल। फूल क्या है? कुसुम, सुमन और प्रसून का पर्यायवाची शब्द फूल है। इन चारों का मतलब एक ही होता है। इस तरह एक ही शब्द के दूसरे शब्द जिनका अर्थ वही हो, वो होते हैं समानार्थक शब्द। अब देखो ये चित्र बनाए, ये क्या है? चंद्रमा। इसको चांद, राकेश और शशि भी बोलते हैं। मतलब चंद्रमा के ये तीनों क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह ये चित्र किसका बनाए? घर का। तो सदन, निकेतन और आलय, ये भी घर शब्द के पर्यायवाची शब्द है। तो इस तरह आपको समझ में आया पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। कुछ और पर्यायवाची शब्द जाने। आकाश, गगन, नभ, आसमान। जल, पानी, नीर, सलिल। माता, माँ, अम्बा, जननी। सूर्य, सूरज, दिनकर, दिवाकर। धरती, भू, भूमि, धरा। मित्र, सखा, दोस्त, साथी। बेटा, पुत्र, सुत, लड़का। पक्षी, खग, विहंग, पक्षी। औरत, स्त्री, पक्षी, खग, विहंग, पंछी। औरत, स्त्री, महिला, नारी। पवन, अनिल, समीर, हवा। आग, अग्नि, अनल, पावक। आँख, नेत्र, नयन, लोचन। वर्षा, बारिश, बरसात, बरखा। सुबह, प्रातः, सवेरा, भोर। कमल, जलज, पंकज, नीरज। नदी, तटिनी, सरिता, तरंगिनी। अब इन सभी पर्यायवाची शब्दों को आपको पुनः एक बार पढ़ना है, इन्हें याद करना है और साथ ही अपनी कॉपी में भी लिखना है सुंदर अक्षरों में। अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। ये आपको सिर्फ बुक में ही करना है। जो शब्द सही पर्यायवाची नहीं है, उन शब्दों पर गलत का निशान लगाइए। पवन, आग, हवा, समीर। पवन का पर्यायवाची क्या नहीं है? आग नहीं है, इसलिए इसमें गलत का निशान लगाया। बेटा, लड़का, पुत्र, सुता। इसमें सुता नहीं है, तो सुता पे गलत का निशान लगा देंगे। सुता मतलब क्या होता है? बेटी। घर में सदन, धरा, आलय। इसमें क्या नहीं है घर का पर्यायवाची? धरा। आकाश, गगन, नभ, चांद। इसमें क्या नहीं है पर्यायवाची शब्द? चांद नहीं है, तो हम इस पे क्रॉस लगा देंगे। पर्यायवाची शब्दों का मिलान कीजिए। पक्षी, खग। लड़की, सुता। जल, पानी। सूर्य, सूरज। मित्र, सखा। दिए गए चित्रों को देखकर उनके दो दो नाम लिखिए। देखो बच्चों, ये किसका चित्र है?
फूल का है ना, तो इसके दो पर्यायवाची नाम हम लिखेंगे, पुष्प और सुमन। अब ये चित्र किसका है? आँख का है। ये एक लड़की है, ये आग है ना, और जैसे मैंने लिखे वैसे ही आपको इनके दो दो पर्यायवाची नाम खुद से लिखने हैं, ये आपका होमवर्क होगा। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। कमल, कमल का पर्यायवाची होता है जलज, नीरज। इसी तरह धरती, मित्र और सूर्य, इनके दो दो पर्यायवाची शब्द आपको खुद से लिखना है, यह भी आपका होमवर्क है। अब आप इनके नाम का पर्यायवाची शब्द यानी अर्थ लिखिए। मेरा नाम अनिल है, मेरे नाम का पर्यायवाची शब्द बताइए। मेरा नाम वर्षा है, मेरे नाम का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसमें आपको अनिल और वर्षा, इनका पर्यायवाची शब्द यहाँ पे लिखना है, यह भी आपका होमवर्क है। थैंक यू।